हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो एम कॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से प्राइवेट एम कॉम कर रहे हैं। उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड ई कॉमर्स का। तो आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड ई कॉमर्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये है आपका सिलेबस कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड ई कॉमर्स। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आपका ई कॉमर्स है और फर्स्ट पार्ट आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का है। अगर हम ई कॉमर्स के टॉपिक की बात करें या इस पोर्शन की बात करें, यहाँ से आपको लास्ट के तीन चैप्टर कंप्लीट करने हैं। देखो, कंप्यूटर का पेपर थोड़ा सा टिपिकल आता है, टिपिकल इन द सेंस कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर में से ही आपको मिले ये श्योरिटी नहीं है। वो मिक्सअप करके भी दे देते हैं कि एक क्वेश्चन में टू पार्ट्स जो है एडिशन कर देंगे, दो चैप्टर्स में से मिला कर एक क्वेश्चन बना देंगे, तो इस तरह से आपका पेपर सेट हो सकता है। तो मैं आपको इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बजाय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि हर चैप्टर में से कौन सा टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है और जिसको आप जो है बहुत अच्छे से करें तो आपका पेपर हो जाएगा। सो लास्ट के तीन चैप्टर तो देखिए आप पूरे कंप्लीट कीजिएगा, और फर्स्ट चैप्टर में से मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मीनिंग क्या है, या ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल कॉमर्स के साथ ई कॉमर्स का डिफरेंस क्या है, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस क्या है, इतना ही कीजिएगा और यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में से नो डाउट बिजनेस मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स मीन्स मॉडल्स का ही चैप्टर है तो मॉडल्स ही इस चैप्टर में दिए होंगे, बट आपको मेन मॉडल्स पे ही फोकस करना है, इसके अलावा कोई और टॉपिक्स नहीं करने। मेन मॉडल्स लाइक बी टू सी, बी टू बी, सी टू सी, ऐसे करके इस चैप्टर में होंगे, तो आपको वही टॉपिक्स जो हैं यहाँ से करने हैं। ठीक है, बी टू बी, बी टू सी, ऐसे करके आपके पास मॉडल्स इस चैप्टर से होते हैं। सो ई कॉमर्स का पोर्शन आपको समझ आ गया होगा कि आपको मेन मेन टॉपिक्स कौन से जो है वो करने हैं। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में से जो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दैट इज़ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लॉक डायग्राम और एक चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आई थिंक इसमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस बार भी इन दोनों, या तो दोनों ही क्वेश्चन आ जाए या दोनों में से एक रिपीट हो जाए, बाकी आप लोगों की किस्मत है। देखिए नेक्स्ट आपके पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी अच्छे से कर लीजिएगा और उनका डिफरेंस भी अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ चैप्टर की बात करें तो मेमोरी, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये और अच्छे से करके जाइएगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आपके पास डेटाबेस, डेटाबेस अपने आप में ही टॉपिक डायरेक्ट आता है एग्ज़ाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्टली इसका मीनिंग और इसका इंपॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से कर जाना, या डेटाबेस रिपोर्ट क्या होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन आईटी सेक्टर में से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, लाइक रोल ऑफ आईटी इन बिजनेस, कि आईटी का रोल क्या है आज की डेट में बिजनेस में, तो ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दैट इज़ रोल ऑफ आईटी इन बिजनेस। नेक्स्ट आपका चैप्टर है एट, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, वाई, क्योंकि इसमें से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, दैट इज़ लैंड मैन वैन वाला एक तो क्वेश्चन, एक आपका टोपोलॉजीज वाला, दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो ये चैप्टर कंप्लीट करके जाइएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, इन तीनों के मीनिंग अच्छे से कर जाना। बाकी इंटरनेट के ऊपर तो अगर आपके पास इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेजेस आ गए तो वो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि आज की डेट में आप ये मोस्टली यूज़ भी करते हैं तो आपको ये आता होगा। सो इनके मीनिंग अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाकी इनमें से एक आधी बार ही क्वेश्चन देखने को मिला है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल या घुमा के क्वेश्चन नहीं आया। जो जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप अभी लास्ट में क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, आप खुद भी एनालाइज़ कर पाएंगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग वेब पेजेस, इसमें से आप जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का क्वेश्चन कर जाइएगा, वेब ब्राउज़र का, www वाला,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब रही बात प्रैक्टिकल पोर्शन की, ये मैं सोचेगा कि प्रैक्टिकल पोर्शन से थ्योरी के पेपर में क्वेश्चन नहीं आते। मैंने देखा है मोस्टली फॉर्मेटिंग के ऊपर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। सो फॉर्मेटिंग ऑफ MS वर्ड, फॉर्मेटिंग ऑफ एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट्स जो भी आपके एक्सेल के अंदर बनती हैं उनके स्टेप्स क्या होते हैं, ये टॉपिक्स भी आप प्रैक्टिकल पोर्शन के स्टेप्स जो है वो अच्छे से लर्न करके जाइएगा। फॉर्मेटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन करके जाना एंड स्टेप्स भी जो है वो क्वेश्चन में प्रोसीजर भी पूछा हो सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कर जाना। और एक इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर मेल मर्ज। मेल मर्ज क्वेश्चन जो है, मेल मर्ज आपका प्रैक्टिकल पोर्शन से क्वेश्चन उठता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रही बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो तो आपका शायद थ्योरी चैप्टर में से ही निकलता है, मल्टी मीडिया आई थिंक। बाकी यहाँ से ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर्मेटिंग के, और सेकेंडली स्प्रेडशीट में से भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्प्रेडशीट कैसे बनती है, उसके डिटेल बता दीजिए। वर्किंग विद स्प्रेडशीट करके जाइएगा, फॉर्मेटिंग का चैप्टर करके जाइएगा, और एक इसमें से मेल मर्ज टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी बार बार आपके प्रैक्टिकल पोर्शन का थ्योरी में पूछा हुआ है। सो इन टॉपिक्स को, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आप छोड़ जाएं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में ऐसा पेपर बनाया हुआ है लाइक ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। आपको अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको तीनों टॉपिक्स आने चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसा ना हो कि आपको कोई दो आते हो उसकी वजह से आप वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए, और नेक्स्ट में देखें तो उसमें से कोई दो आते हो, ऐसा ना हो। तो इसलिए मेन मेन टॉपिक्स तो ज़रूर करके जाइएगा। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तरफ। ये देखिए आपका क्वेश्चन पेपर है 2019 का। सबसे बड़ी बात, ये पेपर आपका जो है वो 50 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो आपको पता ही है, पूरे सिलेबस में से सेट होता है और कंपलसरी होता है। देखो यहाँ पर भी स्प्रेडशीट आ गया ना, प्रैक्टिकल पोर्शन से भी थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि प्रैक्टिकल पोर्शन है तो यहाँ नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड क्वेश्चन, देखिए ब्लॉक डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप देखें डेटाबेस का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, उसकी रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, रूल ऑफ आईटी इन बिजनेस। नेक्स्ट आपके पास इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट में आपके मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज पूछे हुए हैं, और लास्ट अगर क्वेश्चन देखें तो ई कॉमर्स के जो मैंने आपको लास्ट के तीन चैप्टर्स बोले उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे उन्हें टॉपिक्स में से आपके 4 to 5 क्वेश्चन ईजिली आपको मिल जाएंगे। दो पेपर और है मेरे पास, आप वो भी देख लीजिए, आपको एनालिसिस हो जाएगा, बिकॉज समटाइम्स पेपर थोड़ा सा टिपिकल बना हुआ है, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए 2018 का पेपर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा टिपिकल है ये आपके लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी। नेक्स्ट अगर आप देखें, देखिए दो दो पार्ट्स करके क्वेश्चन बने हुए हैं, और आपको अगर एक भी पार्ट नहीं आता होगा तो आप क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ सकता है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन कंप्लीट ना आता हो। तो बेटर है टॉपिक्स जो बताए हैं वो सारे करके जाइएगा, ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन आते हो। अब आप देखिए ये वाला टॉपिक आपको आता होगा बिकॉज आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया। उसके बाद अगर बात करें ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको आ जाएगा, ये टॉपिक में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आपके पास लैंड मैन वैन का क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मैंने आपको बोला था ई कॉमर्स के लास्ट के तीनों चैप्टर्स तो पूरे कंप्लीट करके जाइएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया और फाइबर ऑप्टिक। नेक्स्ट आपके पास 6th क्वेश्चन है, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग और उसकी फॉर्मेटिंग पूछी हुई है, राइट। फॉर्मेटिंग के फीचर्स या फॉर्मेटिंग पूछी हुई है वर्ड में, और एक्सेल के फंक्शंस पूछे हुए हैं। सो स्प्रेड मतलब एक्सेल, वर्ड और आपका नेक्स्ट रहता है पावर पॉइंट आई थिंक। तो इन तीनों के मेन फॉर्मेटिंग फीचर्स ये सब करके जाना, बिकॉज इनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, और बहुत ईजी है बिकॉज आप लोगों को प्रैक्टिकल आता होता है, बस ये है कि एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। सो रिवाइज करके जाइएगा, ये बहुत ईजिली क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट आपके पास देखिए पार्ट्स में आए ना क्वेश्चन, अब आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट आ जाएगा। वाई, क्योंकि आपको सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी भी आती है, और आपको मैंने बोला मॉडल्स भी करके जाना, और सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए ईजी रहेगा, बाकी ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। नेक्स्ट अब एक पेपर और देख लेते हैं, ये पेपर है आपका 2017 का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आपका अगेन ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन है सेकेंड। थर्ड आपका लैंडमैन मैन में से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक्स भी। नेक्स्ट आप देखें ई कॉमर्स और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पूछ ली, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये,
फर्स्ट चैप्टर में से. नेक्स्ट आपका www, नेक्स्ट आपका ICT का रोल जो कि ई कॉमर्स के लास्ट चैप्टर में से है. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स वो भी ई कॉमर्स के लास्ट के 3 चैप्टर्स में से है. देखो यहाँ पे मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग में आ गया, राइट. तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अपने आप में. नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी इजी, ठीक है. और लास्ट आपका सिक्योरिटी मेजर्स जो कि ई कॉमर्स के लास्ट चैप्टर में से है, सेकेंड लास्ट आई थिंक वहाँ से है. सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सब का भी बेनिफिट हो सके. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.